कर पाऊंगा, मैं यहीं से सही में गिव अप कर रहा हूं। इस वीडियो में हम जलाने वाले हैं 3200 कैलोरीज, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। के लिए मुझे 7 अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और हर एक्सरसाइज में जलेगी 450 कैलोरी, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी एक्सरसाइज मुश्किल है और कौन सी एक्सरसाइज आसान 450 कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो बेसिकली हम दौड़ने वाले हैं लगभग 5.5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, जो मेरा सेट पॉइंट है। वहाँ पे मेरे को एक बार जाना पड़ेगा, एक बार वापस आना पड़ेगा और एक बार फिर जाना पड़ेगा। 9 बजे मौसम में थोड़ी बहुत ठंडक थी, तो फर्स्ट लैप तक तो कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेकंड लैप स्टार्ट हुआ गर्मी एकदम ज्यादा बढ़ गई। हमारा बेसिक प्लान था कि 3 लैप में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिखा रही है कि 350 कैलोरीज हो गए, मतलब 100 कैलोरीज और जलानी पड़ेगी, विच इज अबाउट 2 किलोमीटर और दौड़ना। एंड एट दिस पॉइंट आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए मैंने सब कुछ खत्म कर ही लिया। यहाँ से आगे टर्न लेना, वो रहा मेरा घर अगर आप देख पाए तो। ओ यस यस ओ यस, क्योंकि टाइम बहुत कम था और एक्सरसाइजेस बहुत सारी करनी थी। बेसिकली हम निकल चुके हैं 450 कैलोरी बर्निंग करने। फालतू में किस लिए सिर्फ साइकिल चलाएंगे, तो मुझे आटा लेना है और चिकन लेना है, तो बेसिकली हम जा रहे हैं माल लेके आते हैं। इनके मुकाबले साइकिलिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं प्लेन में सफर कर रहा हूँ। तो हम मंजिल से काफी करीब है एंड कितनी देर से यार चढ़ाई आ रही, अब आई है ढलान, साथ में आई है रास्ता। ओह माय गॉड, तो हम आ गए। दोपहर में खाने और सोने के बाद इमीडिएटली 4 बजे का अलार्म लगाया ताकि हम लोग वॉकिंग कर सके। मुझे 12,000 स्टेप्स चलने पड़ेंगे 450 कैलोरीज बर्न करने के लिए। मुझे जैसा लगता है मजेदार तरीका यही है कैलोरीज बर्न करने का, यूट्यूब के वीडियो देखते देखते 4,000 स्टेप्स हुए हैं और लगभग पसीना स्टार्ट हो चुका है। शो तो बेसिकली सिर्फ 5,000 स्टेप्स हुए हैं और ऑलरेडी अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ जाने सूरज को हमसे क्या दुश्मनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होता रात के 9 बजे तक निकला होता, बट क्योंकि उसे पता था कि हम ये कुछ करेंगे, उसने भी कुछ कर दिया। क्या कर दिया? वो ढलने जा रहा है। हमने लगभग 4:35 पे स्टार्ट किया था और अब लगभग ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली 6,500 स्टेप्स ही हुए हैं, 8,500 स्टेप भी नहीं हुए। सीरियसली अब वहाँ भी दर्द होने लग गया है, वो बात अलग है कि आपको दिखाई नहीं दिया कहाँ। ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। मैं पैरों के पंजों की बात कर रहा था, पैरों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। इवेंचुअली मैंने 12,000 स्टेप्स कर लिए हैं। टेक्निकली 12,000 स्टेप्स पे 450 कैलोरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये घड़ी 804 कैलोरी दिखा रही है, जिसका मतलब बहुत सारा दर्द। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जंपिंग जैक जो है वो स्किपिंग के मुकाबले काफी इजी होने वाली थी, बट जैसे कि मैंने कल कैलकुलेट किया था मुझे लगभग 1500 जंपिंग जैक करनी होगी। लेट्स गो। 7:15 बजे देखते हैं कितना टाइम कर पाएंगे। शोल्डर खत्म हो गया। जैसे ही जंपिंग जैक स्टार्ट किया मेरे पेट में दर्द सा स्टार्ट हो गया, ये भी मेरी बहुत बड़ी भूल थी। राउंड 2 लेट्स गो। जंपिंग जैक और ऐसा लगता है जैसे कि 1,000 स्किपिंग कर लियो। ओह माय गॉड। और फिर धीरे से ये दर्द मेरे दिल के दर्द की तरफ बढ़ने लग गया, मेरे हार्ट में एक सीवियर पेन होने लगा जो कि बहुत ही असहनीय था। दूसरी तरफ जंपिंग जैक 100 करने पे स्किपिंग 400-500 करने जितनी थकान और फैटिक महसूस हो रहा था, बट 1,000 जंपिंग जैक करते करते लगभग मेरा दर्द एकदम कम हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद फास्टर रिकवरी तो चाहिए ही, और इसमें 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, रनिंग, स्किपिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग, ये चारों जॉइंट्स पे इतना ज्यादा हैवी इंपैक्ट डालते हैं कि रिकवर होने में इतना टाइम लग जाता है कि दूसरी एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाओ। दूसरी तरफ ढेर सारी कैलोरीज बर्न करने के बाद बॉडी कल इतनी सारी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर पाएगी? अगर मैं कहूँ इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक ही चीज सॉल्व करती है तो कैसा रहेगा?
जिंगा विटा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विद मल्टीविटामिन्स। ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन्स का अनोखा संगम, वो भी एक सॉफ्ट जेल के फॉर्म में, जो बाजार में कहीं और नहीं मिल सकता। अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो EPA और DHA चाहिए ही चाहिए, जो इसमें है, जो कि रोज फिश कंज्यूम करने पर ही मिलता है, लेकिन मछली की बास नहीं। यदि वेट लॉस कर रहे हो तो कम खाने की वजह से जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है उसे पूरा करता है। इसमें है सेलेनियम, जो आपकी सड़ी हुई डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से जिंदा करता है। इसमें है जिनसेंग, इसमें है नेचुरल जिनसेंग, वही जिनसेंग जो आपको एनर्जेटिक रखता है। इतना सब कुछ इन जस्ट वन कैप्सूल, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और 30% डिस्काउंट के लिए यूज कोड लेजेंडरी 30। रात भर की नींद के बाद बॉडी मेरी अच्छे से रिकवर हो गई। बस आज के दिन करने के लिए है टोटल 3 एक्सरसाइजेस। सुबह का टाइम वो है जब सबसे ज्यादा ठंडक रहेगी, तो मैंने डिसाइड किया है कि सबसे टफ एक्सरसाइज करूंगा। स्किपिंग छत पे करने वाले हैं। ऑलरेडी कल के जंपिंग जैक से मेरे शोल्डर घायल है। We'll try to do 500 in one go. कल मैंने 4 एक्सरसाइजेस से बहुत सारी कैलोरीज बर्न की है। मेरे पैर उठ नहीं रहे, बार बार रस से फंस रही है। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मेरा उमड़ता हुआ रक्त और उमड़ जाता। इमरजेंसी, गंदा गाना लग गया। आ, 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 और फिर मैंने सोचा कि बाकी की 2 एक्सरसाइजेस तो काफ़ी आसान होंगी, सूर्य नमस्कार और कैलिस्थेनिक्स। तो मैंने सोने का डिसाइड किया, और दोपहर में मैं इतना सोया कि सीधे शाम ही हो गई। शिट, अब मेरे पास बहुत कम समय रह गया था दोनों एक्सरसाइज करने का, खास करके सूर्य नमस्कार, क्योंकि कम से कम सूर्य को तो नमस्कार करना पड़ेगा ना। क्या करने जा रहे हैं? सूर्य नमस्कार मतलब योगा। हालांकि सूर्य वहाँ है, तो मेरा नमस्कार जो है इसे आगे से जाके टर्न मार के डायरेक्ट सूरज तक जाएगा। नमस्कार, बोल जा रहा हूँ मैं। और पहला सेट करते ही मेरे को समझ में आ गया कि जो मैंने सोचा था सूर्य नमस्कार उतना आसान भी नहीं। हाँ, बस 110 बाकी। बट फैमिली के साथ मैं ये टाइम काफी एंजॉय कर रहा था। सूरज बहुत तेजी से मर रहा है, 108 हो पाएंगे क्या? सूरज ढल गया है ऐसे करके। 63। ओ माय गॉड, मेरे घुटने छिल गए इस दरी पे। 64 65 66 अभी 10 बाकी है। थोड़ा बहुत पेन था, बट मैंने इसे खत्म कर लिया। थैंक यू। करने वाले हैं कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स मतलब वो एक्सरसाइज जिसमें आपको सिर्फ अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है। सिर्फ पुशअप से 450 कैलोरीज बर्न करनी हो तो लगभग आपको 1300 पुशअप्स करने पड़ेंगे। यदि आप स्क्वाट्स करेंगे 1200-1300 करनी पड़ेगी। सेम विद पुलअप्स। अभी उदय तुम जीने नहीं दोगे आज। 450 कैलोरी जल गई। ओह माय गॉड। अब मत आना एक्सरसाइज में, ठीक है? बीस पुशअप, 20 स्क्वाट्स। 10 तो मेरी 10 ही सेकंड में हो जाती है। 10 स्क्वाट्स। मैं तो अभी से गिव अप कर देने का मन कर रहा है। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं अब नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं से सही में गिव अप कर रहा हूँ। जी
जीने नहीं दे रहा ये। तुमने पापा को चिपका दिया नीचे। एक और लास्ट ट्राई। और मैं एक भी और नहीं कर पाया और मैंने गिव अप कर दिया। मेरी तरफ मत देखो। अगले दिन मैं उठा तो पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन एक बात मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि इन सारी एक्सरसाइजेस में साइकिलिंग सबसे ईजीएस्ट थी। नंबर 2 पे वॉकिंग आता है और नंबर 3 पे कुछ नहीं आता।